शराफत पठान गाइस, आज हम आ चुके हैं पार्ट फोर में। जैसे कि कमेंट बहुत आ रहे हैं कि भाई पार्ट फोर लाओ, तो पार्ट फोर गाइस आज हम लेकर आए हैं। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रो राइडर 1000 जो हमारे भाई अगस्त चौहान, उनकी आत्मा की शांति मिले, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले, इसलिए आज जो है हमने, आप देख सकते हो कि हमने एक वाइट कपड़ा लिया है, ये वाइट कपड़ा है, इसमें रेड कपड़ा है, और कुछ फ्रूट लाए हमने और एक नारियल है। और हम गाइज आज जो है प्रो राइडर 1000 बाइक की आत्मा की शांति के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए बाबा जी से दुआ करवाएंगे, ताकि उस भाई को जहाँ भी हो वो मेरा भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और हम उनके लिए बाबा जी से दुआ करवाएंगे आज। तो चलिए बाबा जी से कांटेक्ट करते हैं, और बाबा जी को जैसा बोला था वैसा मैंने किया है, सब कुछ मैंने लाया, जितना मुझसे हो सका मैंने उतना लाया, उनके लिए मैंने किया है। और अब देखते हैं कि बाबा जी को हम दुआ करवाते हैं और पूछते हैं बाबा जी को, अगर उनकी आत्मा से अगर कांटेक्ट हो सका तो भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आज जो है उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, मुक्ति देने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो शाहरुख भाई रेडी हो आप? ओके, तो बाबा जी से हम कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर जो है हमारे प्रो राइडर जो जिनके हम फैन थे, उन भाई की आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। बाबा आप जहाँ कहीं भी हो, शाहरुख के शरीर में आइए। आज हम आपसे हमारे भाई प्रो राइडर 1000 की आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति के लिए आपसे दुआ करवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप आइए और शाहरुख के शरीर में आइए। याल मखदूम, याल मखदूम, याल मखदूम। 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 अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, आज हमारे जो प्रो राइडर भाई अगस्त चौहान, उनकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए बाबा जी, मैं आपने जैसा बताया था कि कुछ जैसे सामग्री है, जैसे कि कुछ फ्रूट है, फिर एक माला है, फिर इसमें रेड कपड़ा है, इसमें वाइट कपड़ा है। और बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और वो जहाँ भी हो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हमारे बीच अब वो नहीं रहे। और बाबा जी, बस मैं आपसे यही दुआ करवाना चाहता हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें, और अगर उनकी आत्मा से कॉन्टेक्ट हो सकता है तो बाबा जी आप उनकी आत्मा से कॉन्टेक्ट करिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई अगस्त चौहान को अल्लाह जन्नत नसीब करे, स्वर्ग नसीब करे। जरूर जरूर, मैं मेरे बेटे के लिए दुआ करूंगा। जी बाबा जी, उसकी मौत बहुत बेरहमी से हुई है। जी बाबा जी, बाबा जी लेकिन उनकी मौत का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नहीं, कि उनकी मौत मतलब कैसे हुई थी, जैसा कि आपने बताया कि उनकी मौत जो है 300 की स्पीड से बताया, लेकिन आपने बताया कि वैसा कुछ नहीं था। वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, और बाबा जी न्यूज भी ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि वैसा झूठी बातें हैं। हाँ, कि मतलब अगर इतनी स्पीड में अगर गाड़ी भिड़ी होती तो गाड़ी चकनाचूर होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बाबा जी, अब हम चाहते हैं, क्योंकि जैसे हम वहां पर गए थे लेकिन हम गलत जगह पर चले गए थे, गलत हाईवे पर चले गए थे जैसा कि आपने बताया, और वापिस हम जाना चाहते, लेकिन आपने बाबा जी हमें जाने नहीं दिया। और आपने बोला था वो जगह
सही नहीं है। जी बाबा जी। जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है। जी बाबा जी। मगर अब मसला ये है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। जी बाबा जी, मैं यही चाहता हूँ कि आप, हम बाबा जी ने मना किया इसलिए मैं उस रोड पे वापस जाना नहीं चाहूंगा, और बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे भाई अगस्त चौहान को अल्लाह जो है जन्नत नसीब करे, स्वर्ग नसीब करे, तो उनके लिए मैं दुआ करवाना चाहता हूँ ताकि उनकी आत्मा को जो है बाबा जी मुक्ति मिले। तो बाबा जी आप उनके लिए दुआ करिए, मैं बस दुआ कर। जरूर जरूर जरूर। ए मेरे मौला, तेरे महबूब के सबके मौला, मेरे इस बच्चे को मौला जन्नत में आला से आला मुकाम हासिल अता फरमा। आमीन। अल्लाह तेरे महबूब के सबके मौला इनके घर वालों को सब्र अता फरमा। आमीन। ए मौला इनके माँ और बाप को मौला सब्र अता फरमा। आमीन। ए मौला इनसे जो भी गुनाह हुए मौला तेरे महबूब के सबके मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन। ए मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन। ए मौला इनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मुकाम हासिल अता फरमा। आमीन। ए मौला इनको जन्नत और फिरदौस में आला से आला मुकाम हासिल अता फरमा। आमीन। ए मौला तेरा ये गुलाम अल मखदूम तुमसे फरियाद करता है मौला कि मेरे बच्चे को जन्नत तो फिरदौस में आला से आला मुकाम हासिल अता फरमा। आमीन। ए मौला इनसे जो भी गुनाह हुए मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन। ए मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन। ए मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। आमीन। ए मौला इनके गुनाहों को माफ अता फरमा। मौला इनके गुनाहों को। अब तुझे जी बाबा जी एक काम करना होगा। जी बाबा जी। इस सब को जी बाबा जी तुझे एक तालाब के अंदर जी बाबा ठंडा करना होगा। जी बाबा जी। बाबा जी और मैं ये चाहता हूँ कि बाबा जी आप एक बार क्या आप उनकी आत्मा को बुला सकते हो? नहीं नहीं, हम अब इनको परेशान नहीं करेंगे। जी बाबा जी। बाबा जी परेशान नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उनकी आत्मा का आना चाहे तो नहीं आना चाहेगी। जी बाबा जी। जी बाबा जी नहीं आना चाहेगी। बाबा जी का कुछ कारण? वो रूहानी दुनिया में मसरूफ है। जी बाबा जी। और हम इनको अब परेशान करना नहीं चाहते हैं। जी बाबा जी। जी बाबा जी। अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे। जी बाबा जी। मगर इनसे अल्लाह इसके घर वालों को, इसके खानदान को, इसके जितने भी चाहने वाले हैं वो सब इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जी बाबा जी। बहुत। जी बाबा जी। जी बाबा जी। बाबा जी क्या आप हमें बता सकते हैं कि इनकी जो मौत हुई थी वो मतलब किस वजह से हुई थी? अभी तक खुलासा नहीं हुआ बाबा जी, तो ये तो वो बात सही है। उनका एक्सीडेंट हुआ था उस जगह पे। उस जगह पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रखे हैं। जी बाबा जी। और किसी का वक्त था वहां पे। जी बाबा जी। तो उस दरमियान वो वहां से गुजर रहे थे। जी बाबा जी। और उनका उस जगह पे लिखा हुआ था। जी बाबा जी। जी बाबा जी। तो उनकी मौत आ गई है। जी बाबा जी। बाबा जी बस हम यही चाहते हैं कि चलो इनके साथ मतलब दुनिया में इन्होंने जो भी किया अल्लाह उनको मगर इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जी बाबा जी। जी बाबा जी। बहुत मोहब्बत करते थे। बाबा जी मैं इस वीडियो के थ्रू एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि जितने भी मतलब राइडर व्लॉग्स बनाते हैं आप व्लॉग्स बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ओवर स्पीड से आप नहीं चलाए क्योंकि उससे जो है जो आजकल और पूछना है जल्द से जल्द पूछ। जी बाबा जी। जी बाबा जी। तो बस बाबा जी मैं यही दुआ करवाना आया था क्योंकि आपने उस दिन बोला था कि लाल कपड़ा ब्लैक कपड़ा और एक नारियल और कुछ फ्रूट मैंने ला पता है। जी बाबा जी। हमने जो बोला था वो काम तुमने कर दिया है। जी बाबा जी। बाबा जी बस आप दुआ करिए कि उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। और बाबा जी जैसे ये जो चीज है हम अब इन चीजों का आपका मतलब तालाब में तुम्हें तालाब में जाके इस चीज को बाबा जी बाबा जी लेकिन अभी जैसे तालाब सारे सूखे हैं तालाब के अंदर रखनी है। हमने ऐसा नहीं बोला है कि तालाब सूखा है या गीला है। जी बाबा जी। जी बाबा जी। उसके अंदर पानी होना जरूरी नहीं है। जी बाबा जी। मगर तुम्हें एक काम जल्द से जल्द करना होगा। जी बाबा जी। जी बाबा जी। ठीक है बाबा जी। बाबा जी तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भाई को प्रो राइडर भाई को आत्मा को शांति मिले और बस अल्लाह नसीब करे जरूर। इनके घर वालों को भी अल्लाह सबर अता फरमाए। हम यही दुआ करते हैं। हमें पता है एक जवान बेटे की मौत कितनी दर्द भरी होती है। जी बाबा जी। सही बात है। एक जवान बेटे की मौत कितनी दर्द भरी होती है हमें पता है। जी बाबा जी। हमें पता है। और हम
यही कहना चाहते हैं, अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे। जी बाबा जी। और तुम सोचते हो ये दुनिया है, तो ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए इम्तिहान की दुनिया है। जी बाबा जी। ये सिर्फ एक सपना है। जी बाबा जी। उस सपने से जब तुम्हारी नींद खुलेगी, जी बाबा जी, जब तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। जी बाबा जी। बाबा जी, एक हमारे भाई है जिनका नाम है सुमित, और उनके 10 साल से मतलब बाबा जी मतलब औलाद का सुख नहीं था, बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे वो अपनी 3 से 4 लाइफ में वो आए और उन्होंने बाबा जी मतलब दुआ आपने उनके लिए करी थी, तो बाबा जी आपके करम से और अल्लाह के करम से अब उनको घर में मतलब खुशियों की किलकारी आई है, और उनके जो है अब जो उनकी धर्म पत्नी है बाबा जी, अब वो जो है प्रेग्नेंट है, अब वो भी एक बच्चे की जो है माँ बनने वाली, तो उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया। तो बाबा जी वो एक बार कह रहे थे कि बाबा जी जब आए तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहूँगा और आप उनसे बात ज़रूर करवाना। तो बाबा जी मैं हिदायत अपने सुमित भाई से बाबा जी बात करवाना चाहूँगा। जरूर। तो मैं उनको कॉल लगाता हूँ। जो हमसे निस्बत रखता है उसका काम वो रब करता है। जी बाबा जी। जी बाबा जी। कॉल उठा लीजिए भैया, कॉल उठा लीजिए। अच्छा नहीं, थोड़ा पास में रहना, आवाज नहीं आएगी इसलिए। वही हम वही बताना चाहते हैं। हेलो 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 सुमित, आ सुमित भाई, सुमित भाई, हाँ सुमित भाई, बाबा जी आए हैं। हाँ तो आप जैसे कि आपकी दुआ जो है कबूल हुई, आपने मुझे बताया था, तो बाबा जी आए हुए, तो कुछ बाबा जी को कहना चाहोगे आप? मैं बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से आज मेरे को औलाद मिली है। तो बाबा जी जो सुमित भाई है, जरूर जो हम पे यकीदा रखता है ऊपर वाला उसका काम खुद ब खुद कर देता है। जी बहुत 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 शुक्रिया। तो सुमित भाई, हाँ बोलिए बोलिए। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी ये प्रणाम बोल रहे हैं आपको। जीता रहे बेटा। तो सुमित भाई बस ऐसे ही बाबा जी से निस्बत बनाए रखो, और कभी भी मुसीबत में हो तो बाबा जी का आप नाम ले लिया करो, और इंशाल्लाह बाबा जी इनके बच्चे के लिए दुआ कर लीजिए। बाबा जी जरूर मेरे बेटे के लिए मैं जरूर दुआ करूंगा, और मेरे बेटे की जो आने वाली नस्ल है उनके लिए भी मैं दुआ करूंगा। बाबा जी इनके बच्चे के लिए आप दुआ करें। ये मेरे मौला तेरे महबूब के सदके, ये मेरा बेटा है जो मुझसे बहुत निस्बत रखता है, मौला तेरे महबूब के सदके मौला इसकी नेक औलाद अता फरमा। आमीन। ए मौला इसके नेक अता फरमा। आमीन। नेक औलाद अता फरमा। आमीन। ए मौला जो भी मेरे बच्चे को परेशानी है, मौला उसकी परेशानियों को दूर अता फरमा। आमीन। ए मौला इसको बोल, बहुत जल्द तुझे नौकरी लगने वाली है, और तेरे घर में जो नेक औलाद आने वाली है उसके सबके में तेरा जो बिगड़ा हुआ काम है सब कबूल हो। आमीन आमीन। बेशक 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 बाबा जी, बेशक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमित भाई तो बाबा जी ने आपके लिए दुआ कर ली है, अब मैं इजाजत चाहूंगा कि हम फोन रखे है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके भाई। बाबा जी तो ये तो है आपके जो निस्बत रखने वाले जिन्होंने आपकी वजह से जो है मतलब 10 साल से औलाद नहीं थी और औलाद उनको नसीब हुई है जो हमसे निस्बत रखता है। बस बाबा जी अब ये दुआ करना कि इनके जो राजी खुशी है ना जो औलाद घर पे आ जाए, क्योंकि अभी भी वो पेट में है, तो चाहते हैं कि मतलब इसके बहुत नेक औलाद होगी। सुभान अल्लाह बाबा जी। बेशक बेशक बहुत नेक औलाद होगी। बेशक बाबा जी। बाबा जी अब इनको जो है मैं मुझे तालाब में रखना है, तो मैं इनको आज ही अभी अभी इसको रखना है कि मैं सुबह रखूं तो चलेगा? अभी ही तुम्हें जाना होगा। जी जी। और इस काम को अंजाम देना। जी बाबा जी। जी बाबा जी अब हमें जाना होगा। जी बाबा जी। इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख 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 बहुत ज्यादा गर्म है। सो गाइज सो गाइस सारे पानी पी ले भाई, सारे पानी पी ले। इसके नीचे ये तो ये वापस रख दे भाई।
सो गाइज आपने देखा कि बाबा जी ने प्रो राइडर 1000 अगस्त चौहान के लिए जो दुआ करी, और एक भाई थे जिनको 10 साल से मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, तो बाबा जी की दुआ से आज उनकी गोद भर गई है और इंशाल्लाह उनको नेक तो बच्चा अता फरमाया अल्लाह। अब गाइज टाइम बहुत हो चुका है, हमें ये जो सामान है इनको जो है तालाब में छोड़ने जाना है, तो सीधा शाहरुख चलते हैं क्योंकि बाबा जी ने बोला सुबह नहीं कर सकते अपने को ये अभी करना है, तो तालाब में इसको छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि देखो उनके नाम का है तो उनको तालाब में छोड़कर आ जाते हैं। तो चले शाहरुख, तो चलिए गाइज फिर सीधा वहाँ पर चलते इसको छोड़ते हुए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं तालाब की तरफ, तो वहाँ जाके आपको आगे का सीन जो है बताते हैं अभी। हाँ वही ना गाइज, क्योंकि हमारे गांव में एक्चुअली में ये देखो गाइज ये इस टाइप के काम होते हैं यहाँ पे। बेचारा परेशान होता है तो उनके लिए ये सब लोग करने का बोलते हैं, जैसे चार रस्तों पर डालने का बोलता है जिससे जो बलाय वगैरह वो दूर रहे। तो ये चलिए अभी तालाब आ गया। सो गाइज तो अभी हम वहाँ से आ गए और ये और तालाब की तरफ। हाँ गाइस जैसे कि ये तालाब है गाइस पूरा, और सामने जस्ट वहाँ पे कब्रिस्तान है, ध्यान से रखना भाई। रख दो पीछे मत, पीछे मत देखो, मत देखो चलो 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 चल 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 चलते चलो। तो अस्तगफिरुल्लाह, तो अस्तगफिरुल्लाह।